ये नंबर साथ साथ लिखे हुए हैं मोर्चे के, वैसे सोटी पकड़ लिए। कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। ये है आप पीछे रहना, मैं आगे आऊंगा। ये देखो ये नंबर 1984 का, ये अंदर आम रूह सारी अरेंज वगैरह लिखी हुई है, तारीख वक्त जगह मौसम, लेकिन आगे लिखना पड़ेगा। फौजी अंदर नहीं आना, हल्का सा ही आ जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ले मैं आगे हूँ, तूने ऊपर नहीं देखना, बस इधर ही। नहीं मैं नहीं आ रही। ये देखें, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों तरफ है। हम आगे इतना नहीं जाएंगे क्योंकि कोई पता नहीं अंदर कोई सांप वगैरह ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना तो होते नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो है। थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, आपको दिखाते तो हैं। ये देखें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और आगे जाके वीआरवी नहर है। ये मोर्चे नहर के साथ साथ बने हुए हैं। जाने की तैयारी? मेरा जरा तेल ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, पहले कितनी मर्जी बार लगाई है ये? मैं अभी पहली डाई है, दूसरी डाई लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासीन मुनीर। आज हम खड़े हैं बीआरबी नहर। आज हम आपको दिखाएंगे गर्मी का जोर। हाँ जी, गर्मी का जोर और ठंडक ऐसी जो हमारे पीछे भी इंजॉय करते हुए आपके सामने। और ये नहर जो इस तरफ निकलती हुई, ये इछरे वाली नहर फौजी, जो यहाँ से निकलती है, ये इधर से निकलती है, इसके पीछे बीआरबी नहर है। और बच्चों का एंजॉय खूब फुल, फौजी बच्चों का एंजॉय देख रही हो? ये तो राशि देख रही हूँ। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कैसे ये सीन बना हुआ है, और नीचे से भी निकल के उस तरफ आ रहे हैं ये देखें, ये नहर यहाँ से निकलती है इसके नीचे से, आप देख सकते हैं। और रश देखें, छलांगे देखें, ओ ये हो गया। आप भी जाने की तैयारी? मेरा जरा तेल ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, पहले कितनी मर्जी बार लगाई है ये? मैं अभी पहली डाई है, दूसरी डाई लगा रहा हूँ। पहली लगा चुके हो? पहली लगा चुके। मजा आया था? हाँ मजा आया। तो नीचे गिराई है? नहीं गिराई कोई नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, फिर उसके बाद आगे सारा। अच्छा। हाँ जी, ये भी लगाता है डाई? हाँ जी, ये डाई लगाता है। जी नहर में लगाओगे? बीआरबी में भाई चला जाएगा। और तैराकी फुल आती है, इसकी गिराई कितनी है? पता नहीं, नीचे पाँव लगते हैं। वैसे कितनी मरतबा पहले लगा चुके हो? काफी दफा। और ये पीछे बीआरबी नहर है, वो ये बीआरबी नहर है पीछे। ये बीआरबी नहर जो बड़ी नहर है, ये उस जगह से यहाँ से निकलती है। यहाँ ये स्केल खुले हुए हैं, यहाँ से बंद करते हैं तो फिर नहर बंद हो जाती है। ये देख, ये इछरे वाली नहर यहाँ से जाती है। और ये छलांगे लगाते हुए ये 20 फुट गहराई है यहाँ पे, और 25 फुट दरमियान में हो गए। यहाँ पे हादसा वगैरह नहीं, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए? हादसा तो हो जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहाने आते हैं, बच्चे बाज नहीं आते। नहीं बाज नहीं आते, बाज नहीं आते, लेकिन बेहतर है कि जिसको तैरना आता है जो स्विमिंग कर सकता वो नहाए, स्विमिंग नहीं कर सकता उस बेहतर है कि वो ना नहाए, क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा है। नहर जो सी बाहर निकल रही है वो कम है, वो तो सारी 3 फुट है, वो तो 3-4 फुट है, वो तो नहाने के लिए मित्र तो फैमिली भी आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बच्चे तो नहा सकते हैं। ये खतरनाक जगह है। और ये बच्चे दो देखे एक जैसे एक जितने, और ये बार बार छलांगे लगा रहे हैं, और डर नहीं लगता है? नहीं। कितना अरसा हो गया इतना इतना आते हुए? 2-3 महीने इधर रहते कहाँ हो? जोड़े पुल। ये जोड़ा पुल तो यहाँ से कोई मेरे को 15 किलोमीटर है। तो क्या? अच्छा, सब आते हो, माँ बाप को पता है? जी। बढ़िया, के बीआरबी नहर में ना आते हो? बड़ी बात है यार। और बच्चों का दांत भी काम रहे हैं, दांत भी इनका आपस में बज रहे हैं, सर्दी लग रही है। अच्छा।
भाई वो गुम हो गया, कहाँ गया वो, निकला और दूसरी तरफ, इधर से उस तरफ जाते हैं और उस तरफ से इस तरफ। इधर रश इतना, ये देखे छलांगे किस तरह लगाते हुए, ओए होए होए, वो देख वो देख वो देख, यहाँ पे पानी कितने है, बस इतना ही है, इधर 5 फुट है, लेकिन यार इधर से भी छलांग, इधर से भी छलांग लगाते हैं, लेकिन वो काम तो खतरनाक ही है। लेकिन आप देखे ना कि ये इंतजामिया का भी बनता है, हाँ कोई ना कोई रोकने वाला होना चाहिए, दूसरी साइड पे 25% पानी है, हाँ ज्यादा गहराई है, ठीक है, साथ में 20 फीट भी है, नीचे दरवाजा खुला, लेकिन इंतजामिया बड़ी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान। क्या आप किस किस जगह रहते हैं? मैं बेसिकली शक्करगढ़ से, लेकिन इधर और मुंशी हॉस्पिटल के पास। अच्छा ठीक है, संडे एंजॉय करने आए ना, निकल आए। सही सही, चलो जी एंजॉय करें। ये देखें ये ग्रीन शेड वाला, ये देख बहुत उधर से भागता है और सीधा छलांग उधर। ये झूला देते हुए क्या देखे कैसे फेंका है, गर्मी का एंजॉय सब लोग करते हुए। वो फौजी देखा इधर छलांगे लगाते हुए, इधर तो बहुत रश है और ऐसे छलांगे ला रहे हैं इनको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। सही है फौजी, तुमने तो देखी नहीं है नहर बीआरबी, मैं आपको उधर से पुल से दिखाता हूँ है। और ये नहर छोटी जो जोन सी निकलती है वो भी इधर से निकलती है पास से। हाँ रेड़ी पे लगे हुए हैं। और ये देखें यहाँ से पानी निकल रहा है बीआरबी नहर से। ये नहर के दोनों तरफ ना छोटी छोटी नहरें हैं, वो तकरीबन 4-5 फुट की है और तकरीबन गहराई इतनी नहीं है, उसके लिए ये पानी निकल रहा है। बस एक ही खुला हुआ है ना, दो नहीं खुले हुए, ये बंद है दोनों, वो एक खुला हुआ उसमें से पानी निकल के वो छोटी नहर की तरफ जा रहा है, जो इछरे की तरफ जा रही है, कुछ फासले पे जाके ना ये ख़त्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल वो खेती बाड़ी के लिए ये निकाली हुई हैं। ये उधर से जब पानी आ रहा है ये आगे होते हुए, ये देखें ये 4-5 फुट की ये नहर बन गई है, वो जो आगे की तरफ जा रही है। और यहाँ पे खरबूजे और तरबूज भी लगे हुए और अल मशहूर चाचा रहमान नान टिक्की वाले तड़ा तड़ लगा रहे हैं, पकोड़े ही पकोड़े। ये देख पकोड़े तड़ा तड़, नान और पकोड़े, इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है। ये देखिए तरबूज बर्फ़ पे भी लगा हुआ है, आड़ू भी साथ साथ, आड़ू कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, फालसा और ये छोटा छोटा फालसा खट्टा मीठा। फौजी बीआरबी नहर देखनी है आपने, तुमने ये देख ले यहाँ से भी नजर आ जाएगी, छलांगे बच्चे लगा रहे हैं काफी सारी। ये देखें कितनी बड़ी नहर है, ये पुराना जोन से ना बीआरबी नहर का पुल है। अच्छा। हाँ नया ये बना हुआ है। नजर तो आ रहा है, और वो देख वहाँ से फौजी पानी निकल के जा रहा है इछरा वाली नहर में। हाँ वो देख वहाँ पे ना लोहे के स्केल लगे हुए हैं, जो वहाँ से बंद भी नहर हो जाती है और वहाँ से ही खुलती हैं, मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले। हाँ फिजान आप भी देख लो, वहाँ से नहर निकलती है जी। ये मेरे बच्चे ना काफी दिनों से कहते हैं नहर पे जाना, हम अपने बच्चों को अकेले नहीं आने देते, जहाँ भी जाए ना हम अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को लेके आए वो नहर का नहा भी ले मजा भी ले ले। बीआरबी नहर आपने देखी है, आपको दिखाएंगे फौजी मोर्चे भी। हाँ इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मोर्चे भी हैं, आप नहर के साथ साथ मोर्चे भी वीडियो में साथ रहिएगा। फौजी ये बीआरबी नहर का जोन से बन है, साथ साथ ये मिट्टी के बड़े बड़े ये किनारे हैं। अच्छा। नहर को यानी कि रोका हुआ है, तो इनके साथ साथ ये मोर्चे भी हैं, ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं, और ये एक नहीं पीछे भी एक दो छोड़ के, और ये साथ साथ आगे जोन से काने पे नहर निकलती है ना वहाँ तक भी जाएंगे तो होगी मेजर अजीज भट्टी का जो जाय शहादत है। बिल्कुल इसी तरह ये मोर्चे मोर्चे भी साथ शेयर करते हैं। ये देखें ये नंबर साथ साथ लिखे हुए हैं मोर्चे के, हमने छोटी सी वैसे छोटी पकड़ ली है, कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। ये है आप पीछे रहना मैं आगे आऊँगा है। ये देखो ये नंबर 1984 का, ये
ये अंदर आम रूह सारी अरेंज वगैरह लिखी हुई है, तारीख वक्त जगह मौसम, लेकिन आगे लिखना पड़ेगा। फौजी अंदर नहीं आना, हल्का सा ही आ जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ले मैं आ गया हूँ, तूने ऊपर नहीं देखना, बस इधर ही। नहीं मैं नहीं आ रही। ये देखें, ये एक इस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों तरफ है। हम आगे इतना नहीं जाएंगे क्योंकि कोई पता नहीं अंदर कोई सांप वगैरह ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना तो होते नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो है, थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, आपको दिखाते तो हैं। ये देखें एक इस तरफ और एक इस तरफ, और आगे जाके वीआरवी नहर है। ये मोर्चे नहर के साथ साथ बने हुए हैं। फौजी इसलिए कहते हैं कि मैं आज से कोई 10 साल पहले आया हूँगा, तो यहाँ पे वो लोग जब हम अंदर जाने लगे ना, तो यहाँ पे जो आदमी थे ना, वो कहते ध्यान से जाना अंदर सांप ना हो। तो क्या पता सांप अंदर, ये देखे ना झाड़ियाँ वगैरह। हाँ ये सारी झाड़ी वगैरह ही है, यहाँ पे फिर सांपों का तो बसेरा होगा। हाँ जी हाँ जी। बहरहाल ये यहाँ पे टोटल ये आगे सड़क जाती है, मैं वैसे ये सड़क ना आगे कान्हे नहर तक गया हुआ हूँ। अच्छा। हाँ फिर वो नहर पे जाके ना आगे एक टूवल था, वहाँ पे नहाए थे। ये आज से कोई 30 साल पहले की बातें हैं, और हम इस जगह पे आपको दिखाते हुए फूल ठंडे ठंडे एंजॉय करते हुए, हम अभी तक ठंडे नहीं हुए। आप ठंडे नहीं हुए? नहीं। ये नहर पे और भी इसी तरह ही मोर्चे हैं जो आगे भी आपको नजर आएंगे। ये वैसे भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए झाड़ियाँ देखें। ये देखे बच्चे पानी की बोतल भर रहे हैं हमारे। पानी ठंडा है? सही है, नॉर्मल है। और ये देखे एक दरबार है, खत्म शरीफ हजरत पीर सैयद जहूर हुसैन अली शाह सखी पीर गलानी। ये देखे एक और मोर्चा है, ये बिल्कुल नहर के पुल के पास है, ये वाला बीआरबी नहर के पुल के पास बिल्कुल मोर्चा है। और ये ट्रालियां देखे रेत के साथ, रेत की भर भर के लोग लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। हाँ जी ये देखे एक और इधर खड़ी है, इस तरफ जा रही है। इधर भी फैमिलियां बैठ के एंजॉय कर रही होती हैं। बस गर्मियों में तो फैमिली तो लोग पानी देखते हैं और बैठ जाते हैं कि बस हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और ये पुल देखे, रश ये देखे यहाँ, यहाँ पे पानी देखिए इतना नहीं है, बहुत ही कम पानी है। ठंडी हवा आ रही है, हाय हाय। जब बारिश ठंडी है तो पानी तो ठंडा है। बारिश ठंडी का है, और यानी कि नहर ठंडी है, यानी कि नहर ठंडी है। ये देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, एंजॉय करते हैं बच्चे, इनको कोई पता नहीं होता। और ये जो हमने आपको नहर दिखाई है, जो हमारे इछले से भी गुजरती हुई आगे कहाँ जाती है, मुल्तान रोड के साथ साथ आगे की तरफ जाती है, ये नहर यहाँ से निकलती है। फौजी हमने तुमने पहले देखी थी हैं? शादी के बाद ही आप ही दिखाई थी मुझे, पहले भी मैंने ही दिखाई थी। हाँ तो याद है, मेरे ख्याल काफी देर हो गई है, 15 साल हो गए। जा 15 साल मुझे लग रहा है। नहीं जब हम वाघा बॉर्डर गए थे तब भी देखी थी। ये जहाँ से नहर निकल रही है बीआरबी नहर से, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।